नमस्कार डियर लवली स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। बेटा आज हम हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, पार्ट पांच संज्ञा। ओके, हमारा रीडर का जो चैप्टर था जन्मदिन का उपहार कंप्लीट हो चुका था। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। आज हम हमारा हिंदी व्याकरण का चैप्टर शुरू कर रहे हैं। ओके, संज्ञा। संज्ञा के बारे में आपने सेकंड क्लास में भी पढ़ा होगा। ओके, तो संज्ञा पढ़ने से पहले हम जान लें कि संज्ञा क्या होता है, संज्ञा किसे कहते हैं। ओके, यस, किसी भी व्यक्ति, प्राणी, स्थान, वस्तु या भाव का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, संज्ञा। किसी भी व्यक्ति, प्राणी, स्थान, वस्तु या भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। ओके, व्यक्ति में कोई भी हो सकता है, मैं भी हो सकती हूँ, आप लोग भी हो सकते हो, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये एक लड़की की पिक्चर बनाई है। ओके, तो ये लड़की क्या है, लड़की जो है ये क्या है, संज्ञा है। ओके, अगर हम इसको नाम दे दें, अगर मैं इसको एक नाम दे दूं कि इसका नाम है रिया। ओके, अगर मैं कहूंगी रिया बहुत सुंदर है। ओके, रिया बहुत सुंदर है, तो ये रिया क्या है, रिया इस लड़की का नाम है। ओके, तो ये क्या हो गया, रिया जिसका नाम है, ये लड़की रिया क्या है, संज्ञा है। ओके, इसी तरीके से किसी भी इस प्राणी, स्थान, वस्तु। ओके, प्राणी में कोई भी प्राणी हो सकता है, कोई जानवर भी हो सकता है ना, गाय, भैंस, बैल, कोई पक्षी भी हो सकता है। ठीक है, स्थान, स्थान में कोई भी जगह हो सकती है, जैसे कि कोई गांव हो सकता है, कोई शहर हो सकता है। ओके, जैसे कि ये क्या है, क्या है ये घर, क्या है ये घर, है ना सुंदर सा घर, तो यह मेरा घर है, इसमें घर क्या है, संज्ञा है। ओके, ये क्या है, स्थान है, घर हमारे रहने की जगह है, तो क्या हुआ, घर संज्ञा हो गया। ओके, इसी तरीके से स्थान के बाद हम आते हैं वस्तु। वस्तु कोई भी वस्तु हो, जैसे कि ये क्या है, बॉल है ना, क्या है ये, संज्ञा है। आप अपने आसपास भी बहुत सारी चीजें देखते हो, जैसे कि हमारी क्लास में क्या है, टेबल है, कुर्सी है, पंखा है, ये सब क्या है, संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ओके, क्योंकि कोई भी वस्तु है तो वो संज्ञा के अंतर्गत आएगी। जैसे कि ये क्या है, बोतल है, ये भी संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ओके, इसी तरीके से आगे हम देखते हैं वस्तु के बाद भाव का बोध कराने वाले, भाव है ना, जो कोई हमें अंदर से, हमारे अंदर जो भाव आते हैं, जिसे हम महसूस करते हैं। जैसे कि ये क्या है, आइसक्रीम है, आप लोग आइसक्रीम खाते हैं, कैसी होती है आइसक्रीम, मीठी मीठी होती है। ओके, तो अगर हम कहेंगे यह आइसक्रीम मीठी है, तो जो मीठापन है इसका, जो हमने आइसक्रीम को खाया है, जो हमने स्वाद महसूस किया है, वो क्या है, उसका भाव है। तो ये भी क्या हो गया, संज्ञा के अंतर्गत आ गया। ओके, तो बेटा हमारे संज्ञा में, संज्ञा के तीन प्रकार होते हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। ओके, पता है सबको, नहीं, यस। तो जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जो संपूर्ण जाति से रिलेटेड होती है। ओके, जो पूरी जाति का हमें क्या कराती है, बोध कराती है। ओके, मतलब कि किसी एक तरह के मनुष्य, प्राणी, वस्तु या स्थान के सामान्य नाम को, है ना, किसी एक तरह के। ओके, जैसे कि अगर हम कहेंगे कि बच्चे जा रहे हैं, है ना, बच्चे तो बहुत सारे हैं, तो जो बच्चे हैं वो क्या है, संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। ओके, इसी तरीके से नए
वीणा, बांसुरी, बजा रहे हैं। ओके, और कृष्णा तो सिर्फ एक ही है ना, कृष्णा और कोई है क्या? कृष्ण भगवान और भी दुनिया में कोई है क्या? नहीं, नॉट भगवान तो सिर्फ एक ही है। तो ये जो कृष्णा है ये किसके अंतर्गत आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, है ना। बांसुरी बजा रहे हैं, देखो बांसुरी बजा रहे हैं कृष्ण भगवान, बजा रहे हैं ना फ्लूट, तो बांसुरी भी वैसे तो संज्ञा के अंतर्गत ही आता है। ओके, नेक्स्ट हमारा है भाववाचक संज्ञा। जैसा कि अभी अभी मैंने आपको बताया था, अगर आप आइसक्रीम खाते हो, आपको आइसक्रीम मीठी लगती है, आप खुश होते हो, उसमें मीठापन है आपके, तो वाह आइसक्रीम तो बहुत मीठी है ना, बहुत टेस्टी है, तो ये क्या है? भाव है। ओके, तो ये भाववाचक के अंतर्गत आएगा। इसी तरीके से अगर आप कहीं घूमने जाते हो, किसी गार्डन वगैरह में घूमने जाते हो, तो गार्डन में क्या देखते हो आप? वहां पर बहुत सारी हरियाली है ना, सुंदर सुंदर गार्डन है, तो आपको क्या लगता है? उसको देख के आप क्या कहोगे? वाह कितना सुंदर है, कितनी हरियाली है। तो वो किसके अंतर्गत आएगा? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ओके बेटा, तो संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा क्या है, उसके प्रकार, प्रकार के अंतर्गत